हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पूजास किचन। आज मैं आपके लिए हेल्दी पीनट पेड़ा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह पीनट पेड़ा बिना चीनी के भी उतना ही टेस्टी लगेगा, तो चलिए देखिए मैं इसे कैसे बना रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसी के साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें और उसमें ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि मेरी नई रेसिपी जब भी आ रही है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए इंस्टेंट मावा के साथ पीनट पेड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टेंट मावा बनाएंगे, उसके लिए हम फ्लेम ऑन करेंगे और एक पैन में 4 चम्मच घी डालेंगे और उसे लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। घी हमारा हल्का गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम 1 कटोरी दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बढ़िया से इसे उबलने देंगे। ये देखिए, दूध और घी को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे। यह डेरी वाइटनर वाला मिल्क पाउडर है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप इस तरह से इंस्टेंट मावा बनाकर भी कोई सी भी मिठाई रेडी कर सकते हैं। इसे हमें लगातार चलाते रहना है और इसमें हमें हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखनी है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे बनाना है। ये देखिए, ये कितना लिक्विडी हो गया है। इसे हमें तब तक चलाते रहना है जब तक कि ये एक डो के फॉर्म में ना आ जाए। ये देखिए, ये बढ़िया तरीके से थिक होने लगा है, लेकिन इसे अभी हमें और पकाना है। अभी आपको ये वीडियो में थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत स्मॉल प्रोसेस है जिससे आप इसको बहुत जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, यह बिल्कुल डो के फॉर्म में हो गया है। हमारा इंस्टेंट मावा बनकर तैयार है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कुछ देर ठंडा होने देंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी भुनी हुई मूंगफली का दरदरा पाउडर लिया है। यह तो सभी को बनाना आता ही होगा। यहाँ मैंने कच्ची मूंगफली को कढ़ाई में अच्छी तरह रोस्ट कर उसकी सारी स्किन निकाल कर दरदरा मिक्सी जार में पीसा है, तो इस तरह का पाउडर हमें मिलेगा। अब इसे हम एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 1 कटोरी नारियल का सूखा बूरा डालेंगे, इसे डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाता है, और यह एकदम आप फ्रेश लें, पुराना ना लें। अब इसके अंदर हम 3/4 कटोरी किसा हुआ गुड़ डालेंगे, 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इन सभी को अब हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम थोड़ा हेल्दी बनाना चाह रहे थे, इसलिए इसमें हमने गुड़ डाला है। आप चाहें तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसे गुड़ के साथ बनाएं तो यह ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसके अंदर हम इंस्टेंट मावा डालेंगे जो हमने तैयार किया था, उसे हमने एक बोल में निकाल लिया था और हाथों की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, नहीं तो मावा कहीं और ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। यहाँ मैंने मूंगफली को थोड़ा दरदराई पीसा है, इसमें थोड़े बड़े दाने भी रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, हमने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यह मिक्सर हमारा रेडी है। आप जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसी के सीध में बेल आइकन में ऑल ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई रेसिपी जब भी आ रही है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब मिश्रण में से हम थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे और इस तरह से रोल करते हुए इसका पेड़ा रेडी करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने मिक्सर को लिया और उसे अच्छी तरह से रोल किया और एक लड्डू के फॉर्म में इसे बनाया। ये देखिए, हम जिस झारी से फ्राइड चीज़ निकालते हैं उसी झारी का मैंने यहाँ यूज़ किया है। अब इसे हम इस तरह से उल्टा करके प्रेस करेंगे ताकि एक डिज़ाइन बन जाए और एक पेड़े का शेप आ जाए। वाओ, ये कितना यम्मी दिख रहा है ना, एकदम यूनिक सी रेसिपी। और हमारा पहला पेड़ा बनकर तैयार है।
ना तो इसमें मैंने मार्केट का मावा यूज़ किया है, ना ही चाशनी और ना ही चीनी, फिर भी ये आपको बहुत टेस्टी लगेगा। आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इसी तरह हम हमारे सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। इसे आप किसी भी व्रत में नवरात्रि, शिवरात्रि, ग्यारस बनाकर खा सकते हैं और किसी फेस्टिवल या ओकेजन में भी बना सकते हैं। यह हेल्दी भी है और बनाने में इजी भी है। इसे आप पहले से बनाकर भी रख सकते हैं। और हमारे सारे यम्मी एंड टेस्टी पीनट पेड़ा बनकर तैयार है। इसमें हमारे कुल 20 से 25 पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। यह खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको यह पीनट पेड़ा की रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।